2.5 वर्ष की एज में पोलियो का अटैक पड़ा था। उसके बाद मेरे राइट लेग काफ़ी वीक हो गई थी, जिसके कारण मुझे मेरी थाई पर हाथ रख के चलना पड़ता था। इसी तरह से मैं लगभग 25-26 साल तक चलता रहा ठीक ठाक। हालांकि टायर्डनेस होती थी, लेकिन मैं ठीक ठाक डिस्टेंस चल लेता था। लेकिन उसके बाद मेरी वॉकिंग डिस्टेंस घटती चली गई और बिफोर ऑपरेशन लगभग ये 20-30 कदम ही रह गई थी। 20-30 कदम के बाद अगर मैं ज़्यादा चलने का ट्राई करता था तो मेरी थाई पर छाले पड़ जाते थे, जिससे मुझे काफ़ी पेन होता था। इसके अलावा मुझे चलने में पीठ दर्द होने लगा था, मेरी नी की बेंड बढ़ती जा रही थी और मेरे पैर की थिननेस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मैंने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन मुझे हर जगह यही बोला गया कि पोलियो एक लाइलाज बीमारी है। इसके बाद मुझे डॉक्टर भोला के यूट्यूब चैनल का पता चला, जिसमें मैं कई सारे वीडियो पढ़े थे, मैंने कई सारे वीडियो देखे। उसके बाद मैंने डॉक्टर भोला से बाय फ़ोन कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने मुझे कुरुक्षेत्र आने को कहा। मैं जब कुरुक्षेत्र आया तो मेरा फुल चेकअप हुआ और डॉक्टर भोला ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं ठीक हो सकता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो उस समय पेशेंट इलाज कराते थे उनसे भी मिला और उन्होंने भी बोला कि आप ठीक हो सकते हैं। उसके बाद मैंने ऑपरेशन करवाने का डिसाइड किया। मेरा ऑपरेशन 19 फरवरी 2017 को हुआ। अभी मेरे ऑपरेशन के लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। अभी मैं काफ़ी सारे बेनिफिट्स को फील कर सकता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि मैं बिना थाई पर हाथ रखे चल पा रहा हूँ, जो कि मेरी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स है। इसके अलावा जो मेरे बैक पेन होता था वो नहीं हो रहा है। मेरा पैर ठंडा रहता था, वो अब एज वॉर मैच अदर लेग हो रहा है। उसके अलावा जो मेरा पोस्चर जो है अभी स्ट्रेट हो गया है, मेरी वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ गई है और मुझे चलने में टायर्डनेस नहीं फील होता है। मैं इसके लिए डॉक्टर भोला और समस्त भोला हॉस्पिटल के सारे स्टाफ्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर भोला काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है, वो हर रोज़ पेशेंट्स का पर्सनली चेकअप करते हैं और सारे स्टाफ्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। अंत में मैं जितने भी पोलियो के पेशेंट हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम एक बार भोला हॉस्पिटल आकर अपना चेकअप जरूर कराएं और उसके बाद आगे का डिसीजन लें कि ऑपरेशन करवाना है या नहीं। थैंक यू। Thank you.